आदिवासी संगठनों ने 1.5 एकड़ में बनाई गई सीमेंट वाली बाउंड्री को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से आदिवासी जमीन को खरीद कर इसमें बाउंड्री किया गया था, जिसे आज कई आदिवासी संगठनों ने तोड़ दिया है। वहीं संगठन का कहना था कि पुलिस प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाता था, इसलिए हम लोग खुद अपनी जमीन की सुरक्षा करना जानते हैं। इस जमीन पर शुरू से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, पर घर दूर होने के कारण जमीन मालिक और दलाल की मिलीभगत से बाउंड्री वॉल कर दिया गया था, जिसकी शिकायत लालपुर थाना को दी गई थी, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो आदिवासी समाज के संगठनों की मदद से बाउंड्री वॉल तोड़ दिया गया। ये जमीन है सरायटाड़, खाता नंबर 252, प्लॉट नंबर 2343, 1 एकड़ 25 डिसमिल की जमीन है। और अभी वर्तमान में भू माफिया बोले या उसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ये जमीन मंगा उरांव का 46 में खरीदा हुआ है। 46 में, हाँ, 40 के बाद उनके जो पुत्र थे सोमरा टोप्पो जी, सोमरा टोप्पो के नाम से यहाँ म्यूटेशन वगैरह है। अच्छा, म्यूटेशन भी, हाँ, सारा चीज़ है। उसके बाद अभी उनके जो पुत्र है जैन टोप्पो जी और एक है जगन्नाथ टोप्पो, ये लोग इस जमीन की देख रेख कर रहे हैं, उनके कब्जे में है। और अपडेट रसीद म्यूटेशन हर चीज़ है, हर चीज़ रहते हुए पुराने जो वो उनके परपोते हैं वो अचानक भूमाफिया से मिलकर यहाँ पर बाउंड्री करा रहे हैं। इसको आवेदन दिया गया है पुलिस उपाधीक्षक नगर रांची, पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची को, थाना प्रभारी और सामाजिक संगठनों को दिया गया। इसमें बोला जाए थाना दोनों पक्ष को बैठा के समझाए और बोले उनको एक पक्ष को काम मत कीजिए, आपकी ज़मीन नहीं है। वो बोले ठीक है काम नहीं करेंगे, लेकिन रातों रात यहाँ बाउंड्री खड़ा कर दिए, यहाँ रूम बना दिया गया। अगर इसमें सामाजिक संगठन का दखल नहीं होगा तो कल रातों रात ये बड़ा कुछ यहाँ तैयारी में थे। तो हम लोगों को जब आवेदन मिला तो हम लोग पक्ष सारी चीज़ों को देखते हुए ऑन स्पॉट आके आज सबको जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं यहाँ अपने हाथों से जितना निर्माण कार्य था उसको ध्वस्त कर दिए, क्योंकि ये रांची में मनमानी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है। जहाँ जिसकी ज़मीन दिख रही है लूटपाट में उतारे हो गए हैं, और ये हमारे आदमी को खड़ा करके जो गैर आदिवासी षड्यंत्र कर रहे हैं इसके विरुद्ध आवाज़ है समाज का, किस तरह का नज़र समाज पे ना गड़ाए, सामाजिक ज़मीन पे ना गड़ाए, व्यक्तिगत ज़मीन पर ना गड़ाए। सारे आदिवासी के पास पैसा नहीं है कि इतने एकड़ ज़मीन को बाउंड्री कर पाए, तो क्या वो खाली है तो उसका हकदार नहीं है? तो जहाँ खाली दिख रहा है इसको व्यवसाय बना दिए हैं, व्यवसाय बना के बड़े 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 बिल्डर लोग को ला रहे हैं, ज़मीन दिखा रहे हैं, उनके पीछे से हम हैं खड़ा हो मैनेजमेंट करके कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ये सोच के ये लोग आ रहे हैं और यहाँ ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने देंगे जब तक हम सामाजिक संगठन यहाँ हैं। और इनके मालिक ने सबको निवेदन किया, आवेदन दिया है, उसके बावजूद भी वे काम किए हैं सामाजिक संगठन, उनके साथ है जैन टोप्पो है और जगन्नाथ टोप्पो के साथ। 15 नवंबर 2000 के जब झारखंड राज्य हो रहो तो ऐसा लागत रहो ने कि आप फार्मिंग कर जल जंगल जमीन बचतो, बड़ा दुख की बात। आज झारखंड के अभी 24 वर्ष हो गलो बनल और झारखंड के राजधानी है, और राजधानी में इस कदर आदिवासियों की ज़मीन की लूटा जा रहा है रातों रात बिल्डर ब्रोकर भूमाफिया के माध्यम से। तो ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं जैन टोपो जगन्नाथ टोपो और उनके तमाम गोतिया के जो अभी वर्तमान में है जिन्होंने आवेदन निमंत्रण हम लोगों को दिया, उनके पुरखे 46-47 में ही इस ज़मीन को ख़रीदा और उसके नाम से मोटेशन है और रसीद कट रहा है। बीच में इन लोगों ने केस भी किया कोर्ट में, तो भाई आपके पुरखे ज़मीन बेच देगा तो कोर्ट फैसला तो नहीं देगा, तो इनके पक्ष में फैसला आया, आज इसके पक्ष में अप टू डेट रसीद है। अभी भू माफियाओं ने क्या किया, अरे खतियान तुम्हारे नाम से है, तो खतियान तो हजारों वर्ष तुम्हारे नाम से रहेगा, पंजीयन 2 में परिवर्तन होता है भाई, बेच दोगे तो पंजीयन 2 में तुम्हारे नाम का जितना ज़मीन है वो जब मोटेशन होगा तो तुम्हारे नाम से कट के उसके नाम हो जाएगा। तो आज दलाल उनको आगे पकड़ के खतियान के माध्यम से, वो दलाल खुद नहीं चढ़ सकता है, बिल्डर डायरेक्ट नहीं चढ़ सकता है, तो हमारे लोगों को
दो चार पाँच लाख रुपए का लालच देखे इस तरह का बिल्डर लोग, भूमाफिया लोग अवैध ढंग से कब्जा कर रहा है। और रांची में अगर आदिवासी लोग नहीं जगेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झारखंड के तमाम जिला में इस तरह से आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग को पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग को निमंत्रण दिए जमीन मालिक लोग, और हम लोग जनता को आवाम को आज आह्वान किए और हज़ारों की संख्या में आकर के जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किए। और आपका चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर यदि आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार इस तरह का करोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग शासन प्रशासन के साथ और तमाम मीडिया बंधुओं के साथ तालमेल रखते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के दायरे में जो लोग भी असंवैधानिक और गैर कानूनी ढंग से अवैध निर्माण करेंगे उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उसके लिए इस लड़ाई को और भी आगे विस्तार रूप से ले जाएंगे और इस तरह का जितना भी अन्याय हो रहा है उनको झारखंड लेवल पे उसको होने नहीं देंगे। मेरा नाम हुआ बसंतु राव, संगठन का नाम भारत मुक्ति मोर्चा, झारखंड प्रदेश। ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं ये मेरे दादाजी ने 1946 में रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ख़रीदा था। अच्छा, उसी समय रजिस्टर्ड हुआ। हाँ, 1946 का ही रजिस्टर्ड डीड है और उसके बाद से दाखिल खारिज भी है और आज का डेट तक अप टू डेट उसमें रसीद भी कट रहा है। मेरे दादाजी मांगा उराव ने खरीदा था, उसके बाद मेरे पिताजी सुमरा टोपो के नाम से नाम ट्रांसफ़र हुआ और अभी तक हमारा अप टू डेट रसीद कट रहा है। तो 1946 से ख़रीदने के बाद से ही मेरे दादाजी सब पहले खेती करते रहे, फिर पिताजी करते रहे, उसके बाद हम लोग भी खेती करते रहे। इधर दो तीन साल से खेती हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन चूँकि अभी आप समझ रहे हैं कि रांची में अभी ज़मीन का क्या वैल्यू हो गया है और ये टाउन के बीच में इस तरह इतना बड़ा ज़मीन जो है, तो इस कारण से जो ज़मीन दलालों की नज़र इस पर पड़ गई है और ज़मीन दलाल लोग खुद सामने नहीं आकर के जो खतियानी रैयत है, क्योंकि खतियान में उसका नाम तो मिटता नहीं है जो खतियानी रैयत है, तो उसका रैयत को आगे करके पीछे से ज़मीन दलाल सपोर्ट करके यहाँ ज़बरदस्ती विवाद पैदा करके इसका ज़मीन को डिस्पोजल करना चाहते हैं कि जो ज़मीन मालिक है वो कंप्रोमाइज़ कर ले, सरेंडर कर ले और हम लोग इसमें ज़मीन दलाली करके हम लोग इसमें कमाएँ, ये इनका मकसद है। तो इस मकसद को नाकामयाब करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आज क्या आदिवासी समाज अपना ज़मीन बचाने के लिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा जागरूक है। जहाँ भी ज़मीन बचाने की बात होती है हमारा समाज बिना किसी लालच के, बिना कोई संकोच के अपना समाज का ज़मीन को बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पुरखे बहुत बुद्धिमान थे। वो जानते थे कि बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पैसा हाथ में रहे ख़त्म हो जाएगा, सोना चांदी वो सब भी लुटा सकता है, लेकिन ज़मीन जो है धरती से शुरुआत से लेकर आज तक ज़मीन हमारा कायम है और आगे भी रहेगा। तो हमारे पुरखे इतने समझदार हैं, इसलिए उन्होंने हमारे जीविका के लिए कि हमारे आने वाले जो पुरखे हैं, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो लोग भूखे ना मरे, यदि कुछ नहीं करे तो कम से कम इस ज़मीन पर खेती करके वो लोग अपना अन्न उत्पादन करके अपना पेट भर सके, हमारा पुरखों का ये सोच था। लेकिन आज स्थिति बहुत विकट हो गई है और ज़मीन दलाली के इस युग में सभी ज़मीन दलाल लोग जो भी खाली ज़मीन देखते हैं कहीं पर भी वहाँ ज़बरदस्ती विवाद पैदा करके ज़मीन लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? हम लोगों ने इसके खिलाफ़ में, इस ज़मीन कारोबारों के खिलाफ में थाना में भी आवेदन दिया था, सीनियर SP को भी आवेदन दिया, जो हमारे DSP साहब हैं उनके यहाँ भी हम लोगों ने आवेदन दिया। उस ओर से हमें कोई उस तरह से सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिला, तब हमारे समाज के शरण में हम लोग आए और समाज को हम लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसा बात है, ज़मीन लूट की कहानी चढ़ी, तो आज हमारा समाज मेरे साथ में खड़ा है। इसके लिए मैं अपने समाज का, आदिवासी समाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो कब बाउंड्री हुआ था ये? रातों रात दो दिन के अंदर काम किया गया, जब तक हम लोगों को खबर मिलता तब तक यहाँ रातों रात ये करके, क्योंकि ये रेडीमेड ये है सीमेंट का है, वो तो सीधे खला करके उसमें डालते जाते हैं। मेरा नाम जयंत टोपो हुआ और मेरे दादाजी ने यह ज़मीन खरीदा था और आज की डेट में इस ज़मीन का वारिस हूँ। ये हमारे पुरखों का ज़मीन है जहाँ हम लोग अभी खड़ा हैं और इस ज़मीन को मेरे दादाजी ने रजिस्टर्ड डीड के द्वारा 1946 में खरीदा था, उस खतियानी रैयत से खरीदा था जिसमें कि
जितना भी प्लॉट था उसका टोटल जमीन को खरीदा, एक पार्ट को भी नहीं, इस जमीन इस प्लॉट में जितना जमीन है सारा को खरीदा था। और 1946 के बाद से ही मेरे दादाजी, उसके बाद मेरे पिताजी और फिर अभी तक हम लोग इसमें खेती बाड़ी करते चले आ रहे थे। लेकिन इधर हाल के समय में जो खतियानी रैयत है, खतियान में क्योंकि नाम तो कभी मिटता नहीं है, तो खतियान में अपने दादा का नाम देकर दावा करने लगे कि नहीं ये हमारा ज़मीन है, तो और इसे यहाँ काम शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने इसमें इसके खिलाफ में थाना में भी आवेदन दिया था, और थाना में आवेदन देने के बाद पुलिस थाने ने अगले पक्ष को भी वीरू राव को भी बुलाया था कि बताइए आपका क्या पक्ष है। तो उसने जो पेपर वहाँ प्रस्तुत किया बस वही खतियान दिया और बोला कि नहीं ये मेरा। तो इस खाता प्लॉट का जब हम लोग ऑनलाइन भी चेक किए तो उसमें उसका ज़मीन का रकबा ज़ीरो दिखा रहा, टोटल ज़मीन हमारे पिताजी के नाम पर आज का डेट में रसीद कट रहा, आज का एकदम अप टू डेट रसीद कट रहा। और हम लोग इसमें तब से दादाजी से लेकर आज तक हम लोग इसमें दखल कब्जा में हैं, लेकिन ज़बरदस्ती रातों रात यहाँ यहाँ रेडीमेड दीवार के माध्यम से ज़मीन इसमें। तो मुखिया तो जो पीछे पीछे है इसमें ज़मीन दलाल है, रांची में सभी जगह अभी ज़मीन दलाल हावी हैं, और जो खतियानी रैयत के माध्यम से उसको आगे करके वो लोग उसे फंडिंग कर गए करके यहाँ। तो इसमें तो खतियानी रैयत वीरू राव ही है और एथवा राव, दोनों भाई हैं। इसके लिए तो हम लोगों ने प्रशासन में भी आवेदन दिया था, सीनियर एसपी को भी आवेदन दिया था, थाना में भी आवेदन दिया था, लेकिन उधर से कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी हम लोग अपने समाज के माध्यम से, जो समाज के विभिन्न संगठन हैं उसके माध्यम से हम लोगों ने अपने ज़मीन बचाने का प्रयास किया है, और आज जो भी हमारे समाज के लोग और समाज के संगठन जो आए हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आज ज़मीन बचाने के लिए यहां पर। मैं जयंत टोपो हुआ और मेरे दादाजी मांगा उग्राव थे, पिताजी सोमरा टोपो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।